Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, आपको अच्छी तरह मालूम है हमारे 3D के lessons continue हैं। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमने mostly जो 3D के अंदर basics commands होती हैं वो हमने इंशाल्लाह ताला हम कर चुके हैं। अब हमारा जो टाइम आ चुका है वो है प्रैक्टिकली काम करने का, यानी कि अब हमने ये देखना है जितनी भी ऑप्शन हमने इससे पहले की 8-10 ऑप्शन जो भी हमने पढ़ी उसके ऊपर प्रैक्टिकली कैसे काम किया जाता है, उसके ऊपर कैसे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा, यानी कि आपके पास एक मैप है उसका आपको 3D कैसे बनाना है, उससे आपको कैसे उसकी इमेज उठानी है, क्या कुछ करना है, अब वो टाइम हमारा आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स ओपन करके रखे हुए हैं, मैं आपको प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहूंगा। जैसे देखें मेरे पास ये क्या है, 3D है, मैं आपको पहले भी ये प्रोजेक्ट दिखा चुका था। अब इसकी अगर हम 2D की बात करें तो हमारे पास 2D कैसी होती है, सिंपल लाइनों के अंदर हमारे पास 2D होती है। जैसे ये मेरे पास 2D है, देखें ये मेरे पास क्या है, 2D मैप है, ठीक है, यानी कि इसका प्लान है। देन इसका आपके पास एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन। अब ये आपके पास फ्रंट एलिवेशन है, याद रखिएगा जब भी आप 3D बनाते हो आपको 3D को सिर्फ ऊपर ही नहीं लेकर जाना होता, उसको अपने फ्रंट एलिवेशन के मुताबिक डालना है। मिसाल के तौर पे आप इस मैप का अगर फ्रंट एलिवेशन आपने रेडी किया हुआ है, ये आपके पास फ्रंट एलिवेशन है। अब जब 3D आपके पास बने वो भी आपके पास सेम टू सेम यही व्यू नजर आना चाहिए आपको, ये चीज आपको सोचनी होगी, यानी कि 3D को सेम टू सेम अपने एलिवेशन के मुताबिक आपने कैसे लाना है, क्योंकि यहां पे जैसा आप एलिवेशन बनाते हो, अब देखें हमारे पास ये एक फ्रंट व्यू है, ये हमारे पास मैप है एक मस्जिद का है। अब इसका हमने फ्रंट एलिवेशन जो बनाए हुए हैं वो ये है मेरे पास। अब जाहिर सी बात है जब हम इसको 3D के अंदर बनाएंगे तो सेम टू सेम यही व्यू बनाना हमें पड़ेगा, ठीक है। इधर आ जाए, यहां पे देखें बिल्कुल सिंपल सिंपल से भी आ रहे हैं मेरे पास एलिवेशन। तो जैसे जैसे आपके पास यहां पर एलिवेशन आते जाएंगे, इधर आ जाए, अब देखिए ये मैप है इसका जो एलिवेशन है वो ये है, तो फिर आपको इस तरह की 3D बनाकर देनी होगी। तो याद रखिएगा हर मैप का एलिवेशन भी अलग होता है और उसकी 3D भी जो है उससे बिल्कुल डिफरेंट बनकर आती है। देखिए हर मैप का एलिवेशन अलग है और उसकी 3D भी बिल्कुल आपके पास डिफरेंट ही बनकर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली लॉजिक होगा, इसको हम लोगों को देखना होगा हम किसी भी शेप्स के अंदर क्या क्या चीजें उठाएंगे उनको कैसे बनाया जाएगा, लेकिन फाइनल में जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा वो इंशाल्लाह ताला कुछ हमारा पास ऐसे निकल रहा होगा जैसे इसका भी जो मैप था सिंपल लाइन के अंदर था। अब हमने इसके नीचे पहले कार पार्किंग बना दी है, फिर इसको कुछ हाइट दे दी, फिर उसके बाद इसके रूम्स एरिया तैयार हो चुके हैं, फ्रंट एलिवेशन है, इसकी स्टेयर सामने से निकल कर आ रही है, यहाँ पे देखिए टेरेस आ जाता है, इस तरह से ऊपर आ जाए, आपके पास ये जो जो भी शेप्स बनी हुई है ये आपको बनाना पता नहीं है। तो लेकिन हम जब स्टार्ट करेंगे हमारा जो पहले लेसन्स होंगे, यानी कि पहले जो मैं आपके सामने काम करूंगा वो मैं सिंपल बिल्कुल सिंपल बिल्डिंग बनाऊंगा, यानी कि ये समझ लें बिल्कुल एक सीधी सीधी आपको मैं बिल्डिंग बना के देता जाऊंगा। लेकिन जब आपके पास वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उसकी हम एक से दो स्टोरीज बना लेंगे, देन फिर हम अपने एलिवेशन वाली बिल्डिंग्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि पहले तो हमें ये कन्फर्म होना चाहिए विंडो कैसे बनती है, डोर कैसे बनता है, दीवारें कैसे बनती हैं, सब ट्रेड कैसे होता है, ग्रिल्स कैसे बनाएंगे, आप स्टेयर्स कैसे बनाएंगे। जब ये तमाम चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम ग्रैंड प्रोजेक्ट के तौर पे एक एलिवेशन को उठाएंगे उसके ऊपर काम करेंगे। जब वो हमारा काम हो जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह ताला एक शॉपिंग सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे, टावर्स बनाने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ शेयर्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपको बताने का मकसद, जस्ट मकसद मेरा ये था आपको ये बताया जाए 3D क्या चीज है, इसके ऊपर कैसे हम लोग थिंकिंग करेंगे। बहरहाल वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखा जाएगा इसके ऊपर कैसे काम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग रेडी हैं 3D के ऊपर काम करने के लिए। मैं डायरेक्ट एक मैप लाऊंगा उसके ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूम और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कराए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर AutoCAD की कंप्लीट DVDs चाहिए, यानी कि लेक्चर्स की कंप्लीट DVDs चाहिए या आपको मैप कलेक्शन वगैरह की DVD सीरीज कलेक्शन चाहिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है
कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इन्हीं ईमेल्स पे या फोन्स पे हमें रब्ता कर सकते हैं। ईमेल का हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com और आप हमें कॉल कर सकते हैं 03439017779 पे। स्टूडेंट्स हमारा स्काइप का एड्रेस है xpacademy। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।